Welcome students to Science Study Center online classes. Today we will discuss ray optics in continuation with the last lecture. जैसा कि बच्चों हम लोगों ने last turn पे optics का discussion किया था और उसमें light की कुछ properties देखी थी, उसको आगे बढ़ाते हुए और ray optics के discussion पे हम लोग आते हैं. Scattering of light. Scattering of light. Scattering of light क्या है? बच्चों जब light किसी medium में travel करता है, किसी भी medium में, solid, liquid या gas, तो light किसी भी medium में travel करता है, तो medium के particles light को absorb करते हैं और उसे हर possible direction में radiate कर देते हैं. सीधी बात मैं कह रहा हूँ कि अगर ये कोई मीडियम है और रे ऑफ लाइट इधर से आ रहा है, ठीक, मीडियम कोई सा भी हो, एयर हो सकता है, गैसेस हो सकते हैं, ठीक, लिक्विड, सॉलिड, कुछ भी, तो जब लाइट इस मीडियम में ट्रेवल करेगा तो मीडियम के पार्टिकल्स, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसे हर पॉसिबल डायरेक्शन में रेडिएट करते हैं. तो ये इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया, इस मॉलिक्यूल ने, और इसे रेडिएट कर दिया, तो मीडियम के जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट को एब्जॉर्ब करके रेडिएट करते हैं. इसीलिए ऐसा होता है बच्चों कि जब लाइट, जैसे आपने कोई टॉर्च ऑन किया और रे ऑफ लाइट चलना शुरू हुआ, तो लाइट स्कैटर करता जाता है, फैलता जाता है, ठीक है, है ना. और जब लाइट यहाँ से इमर्ज करेगा तो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कुछ कम हो जाएगी. ऑब्वियसली मीडियम के पार्टिकल्स ने लाइट अब्जॉर्ब कर लिया तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, तो इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाता है. बट जो यही स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में ही इन्वेस्टिगेट किया डॉक्टर सी वी रामन ने, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट को ही, उसके फिनोमेना को ही एक्सप्लेन करने के लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया, जिसमें उन्होंने इलास्टिक इन इलास्टिक स्कैटरिंग के बारे में बताया कि ड्यूरिंग स्कैटरिंग वेवलेंथ पे भी इफेक्ट पड़ता है. लेकिन ये पूरा डिस्कशन हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ इसके कुछ फिनोमेनास को देखना है. तो एक क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एग्जामिनेशंस वगैरह में कि कुछ जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोल दिया एंड एक्सप्लेन एनी फिनोमेना अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एनी वन और टू फिनोमेनाज रिलेटेड टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना, या कई बार फिनोमेनाज मेंशन कर देते हैं और उसके पीछे का प्रिंसिपल पूछते हैं. तो ऐसे कई सारे आपको दिखाई देंगे आगे, इंटरफेरेंस में फिनोमेनाज में बताऊंगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में बताऊंगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे फिनोमेनाज डिफ्रैक्शन में, पोलराइजेशन में आपको मिलेंगे, ठीक. अभी बात स्कैटरिंग की हो रही है. तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में जब लाइट एक मीडियम को क्रॉस करेगा तो लाइट स्कैटर कर जाएगा, ठीक, इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी. और रेट ऑफ स्कैटरिंग, कितना ज़्यादा स्कैटरिंग होगा, स्कैटरिंग बच्चों समझ में आ रहा है कि लाइट ट्रेवल करेगा तो वो स्प्रेड होगा, ठीक. जैसे आपने देखा होगा जब स्कैटर नहीं होगा तो कैसे चलेगा, जैसे लेजर लाइट, लेजर लाइट इसमें लीस्ट, मतलब मान के चलिए बिल्कुल स्कैटरिंग नहीं होती, बहुत कम, क्योंकि लेजर लाइट हाईली मोनोक्रोमेटिक, हाईली कोहरेंट एंड लीस्ट स्कैटर्ड लाइट होता, ठीक. तो लेज़र आपने बच्चों देखा है रेड कलर वाला, जो नॉर्मली हम लोग के पेन में या किसी चीज़ में होता है लेज़र लाइट, जब आप ऑन करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक भी उसका स्पॉट आपको एकदम बिल्कुल शार्प दिखाई देता है. इसका मतलब मीडियम में ट्रेवल करते समय वो स्प्रेड नहीं होता. तो नॉर्मल लाइट में ऐसा नहीं है, नॉर्मल लाइट हमेशा स्कैटर कर जाता है. टॉर्च का लाइट बिल्कुल शार्प फोकस नहीं करेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो आप देखेंगे, है ना, वो स्कैटर कर जाएगा. और रेट ऑफ स्कैटरिंग जो होता है कि किस रेट से स्कैटरिंग होगी, दिस रेट ऑफ स्कैटरिंग, बस यही फैक्ट अभी इसमें याद रखना है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ इट्स वेवलेंथ, ठीक है. यहां पर बच्चों आपको दिख रहा है कि वेवलेंथ जिस लाइट का जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ स्कैटरिंग उतनी कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर के, ठीक है. तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और कहां से कहां तक वेवलेंथ उसका था, रेंज क्या था, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम, यानी 7000 वाला रेड था विबगियर के हिसाब से, वॉयलेट का वेवलेंथ 4000, रेड का 7000. तो रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम है, तो रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम होगा तो रेड में रेट ऑफ स्कैटरिंग लीस्ट होगी. इसका मतलब रेड कलर जब मीडियम में ट्रेवल करेगा तो इट विल स्कैटर लीस्ट, और मैक्सिमम स्कैटर कौन सा करेगा, ऑब्वियसली
मैक्सिमम स्कैटर करेगा वायलेट या ब्लू लाइट, ठीक है, वेवलेंथ कम रेट ऑफ स्कैटरिंग ज्यादा। तो बच्चों ब्लू लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा, ठीक है, एंड रेड लाइट सबसे कम स्कैटर करेगा, ठीक। इसी से रिलेटेड कुछ फिनोमेनाज आपको दिखते हैं, जैसे मैं कुछ बस वर्बली डिस्कस कर देता हूँ, एक बार आप सुन लेंगे तो आपको याद रहेगा, उसमें कुछ लिखने जैसा नहीं, ठीक। जैसे डेंजर सिग्नल्स, डेंजर सिग्नल्स हमेशा रेड कलर से मार्क करते हैं, इसीलिए क्योंकि अगर डेंजर सिग्नल आप रेड कलर से मार्क करेंगे तो रेड कलर जब मीडियम में ट्रेवल करेगा तो इट विल स्कैटर लीस्ट, और जब लीस्ट स्कैटर करेगा तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक वो ट्रेवल करेगा और बहुत दूर से ही आप उस रेड सिग्नल को देख सकते हैं। और अगर आप रेड सिग्नल, डेंजर सिग्नल रेड से बनाने के बजाय अगर आप ब्लू लाइट से बना दें, ब्लू कलर से डेंजर सिग्नल बना दें, तो ऑब्वियसली वो मैक्सिमम स्कैटर करेगा और उसे आप दूर से नहीं देख पाएंगे, और जब तक आप देखेंगे तब तक आप डेंजर जोन में पहुंच जाएंगे, ठीक। इसलिए रेड कलर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। हाँ, जब हम लोग स्काई को देखते हैं, इसका एक सिंपल सा एक कॉमन सा एग्जाम्पल जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स ब्लू, तो कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो बच्चों ये दिखता है, जैसे ये अर्थ है तो अर्थ के चारों तरफ अर्थ का एटमॉस्फेयर है, अर्थ के चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ अर्थ का एटमॉस्फेयर, और देखिए सन से जब रे ऑफ लाइट आता है, जैसे अगर हम लोग आफ्टरनून में बात करें, ठीक है, है ना, दिन में, तो सन से जो लाइट आती है, सन से हमेशा सारे पॉसिबल वेवलेंथ्स निकलते हैं। हीट पड़ते समय हम लोग बात करेंगे, सन को हम लोग परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह से ट्रीट करते हैं, ये सारे पॉसिबल वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और सारे पॉसिबल वेवलेंथ्स को रेडिएट भी कर सकता है, ठीक है। तो सन से जो लाइट निकलती है उसमें सारे वेवलेंथ्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब प्योर वाइट लाइट, ठीक। लेकिन जैसे ये प्योर वाइट लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तो एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसे एब्जॉर्ब करके स्कैटर कर देते हैं, और मैक्सिमम स्कैटरिंग किसमें होती है, मैक्सिमम स्कैटरिंग ब्लू लाइट की, वायलेट लाइट की। तो ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर कर जाता है एटमॉस्फेयर में, ठीक। और ब्लू लाइट जब सबसे ज़्यादा स्कैटर कर जाता है तो ऑब्वियसली कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स ब्लू, ठीक है। तो कलर ऑफ द स्काई ब्लू अपीयर होगा ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। और बच्चों वाइट कलर, वाइट लाइट में से अगर आप ब्लू कलर उसमें से निकाल लें तो इट बिकम्स येलो कलर, ठीक है। वाइट में से अगर ब्लू कलर आप माइनस कर लेंगे तो इट बिकम्स येलो। इसीलिए जब हम लोग दिन में सन को देखते हैं तो सन हमें येलोइश दिखाई देता है, प्योर वाइट नहीं दिखाई देता, बच्चों का भी ध्यान देंगे आप तो, येलोइश दिखता है, प्योर वाइट नहीं, क्यों, क्योंकि वाइट में से ब्लू कलर स्कैटर हो गया और बाकी कलर सन तक पहुंच गए, वही हम देख पा रहे हैं, और वाइट में से ब्लू मतलब येलो। ये कॉम्बिनेशन आप जानते हैं, ब्लू प्लस येलो वाइट होता है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, येलो प्लस ब्लू, और ये घरों में हम लोग यूज़ भी करते हैं, जैसे वाइट कपड़े हैं और उनको ज़्यादा धुलने की वजह से वो येलोइश हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली घरों में क्या करते हैं, जो कपड़े येलो हो जाते हैं तो उसमें ब्लू कलर है ना, उसमें दो नील मिलाते हैं ब्लू कलर डालने पर, क्योंकि येलो प्लस ब्लू बिकम्स वाइट, है ना। तो इसलिए सन अपीयर्स येलो एंड स्काई अपीयर्स ब्लू। लेकिन अगर मॉर्निंग और इवनिंग की बात की जाए, सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे, तो सन रेड है ना दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मॉर्निंग या इवनिंग की बात करें तो सन यहाँ होराइजन पे है, और अब जब सनलाइट ट्रेवल करेगा तो इसे मीडियम में, इसे हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, और इसे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा तो ज़्यादातर कलर्स स्कैटर हो जाते हैं, और सिर्फ रेड कलर, रेड कलर में मैंने बताया कि लीस्ट स्कैटरिंग होती है, तो रेड कलर स्कैटर नहीं होता, और रेड कलर स्कैटरिंग नहीं होता तो वो हम तक पहुंच जाता है, और जो कलर हमारी आईज तक पहुंचेगा वही हम देख पाते हैं। तो सन का जो कलर है वो सनराइज और सनसेट के टाइम पर आप रेड देख पाते हैं, ठीक है। ये कुछ फिनोमेनाज हैं ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्लेन मिरर।
देखिए यहाँ से बच्चों एक्चुअली अभी तक हम लोग लाइट की प्रॉपर्टीज का डिस्कशन कर रहे थे और यहाँ से मेनली रे ऑप्टिक्स हमारा स्टार्ट हो जाता है और सबसे पहले हम लोग सबसे सिंपल सिचुएशन को डील करने की कोशिश करते हैं। ठीक, जो सबसे सिंपल सिचुएशन है उससे बढ़ते हैं और धीरे 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 कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं। तो सबसे पहले प्लेन मिरर, ठीक, दो ही फिनोमिना पूरे रे ऑप्टिक्स में आप डील करेंगे, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक, रिफ्रैक्शन पर हम लोग बाद में आएंगे क्या है, है ना, और कौन से लॉस को फॉलो करेगा। रिफ्लेक्शन में ऑब्वियसली आपको पता है कि कोई मिरर आपने लिया, एक साइड सिल्वर कर दिया तो रे ऑफ लाइट उससे रिफ्लेक्ट होने वाला है। ठीक, तो जब हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्शन के रूल्स को फॉलो करता है और ये मेरे ख्याल से ऑब्वियसली सबको पता है कि जब भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। An incident ray, normal and reflected ray all lie in the same plane. ठीक, ये statement आप normally आप वाकिफ हैं, ये मान के चलते हैं। ठीक, तो देखिए plane mirrors में क्या होगा, तो हमें कुछ image formation की बात करनी है। ठीक है, तो देखिए दो चीज़ें ray optics में आप बार बार use करेंगे word, तो थोड़ा सा मैं इस बारे में भी बोल दूँ। देखिए पूरे ray optics में जो main theme होगा, जो main working होगा, वो एक object होगा और उसके सामने कोई मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन मिरर, लेंस कुछ हो और उसका इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस पूरे सेक्शन में आप देखेंगे कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का इमेज लोकेट करेंगे। ठीक, तो जब कोई वर्ड आपसे ऑब्जेक्ट बोलता है तो ऑब्जेक्ट मींस द पॉइंट फ्रॉम वेयर रे ऑफ लाइट इमर्जेस। ठीक, और किसी ऑब्जेक्ट से, ठीक, तो जब भी जिस पर्टिकुलर पॉइंट से रेज आप इमर्ज करते हुए उससे निकलते हुए रेज आप ड्रॉ करेंगे वो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से हर पॉसिबल डायरेक्शन में रेज निकलेंगे और आगे जो भी आपका मिरर या लेंस जो भी है, ठीक, रे ऑफ लाइट उससे रिफ्लेक्ट होगा या रिफ्रैक्ट होगा, दोनों फिनोमेना काम आएगा। ठीक, तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद रेज जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाले हैं उसी पर्टिकुलर पॉइंट को इमेज बोलते हैं। तो इमेज की डेफिनेशन क्या हुई, इमेज की डेफिनेशन The point where reflected or refracted rays intersects or appears to intersect that particular point is known as image. ठीक है, है ना, जैसे रिफ्लेक्ट होने के बाद एक रे ऐसे गया और एक ऐसे चला गया और ये दोनों रेज इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों रेज और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इमेज। देखिए अगर रिफ्लेक्शन के बाद रेज खुद ब खुद इंटरसेक्ट कर गया, मतलब आपने रे डायग्राम बनाया और रेज खुद बखुद इंटरसेक्ट कर गए, तो इमेज रियल है। समटाइम्स ऐसा भी देखने में आएगा कि एक रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे गया और दूसरा रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे गया। ठीक है, अब इन दोनों रेज को देखें, आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आप इन रेज को एक्सटेंड करते हैं। जैसे इनको एक्सटेंड करेंगे इस रे को और इस रे को भी एक्सटेंड करेंगे और ये रेज ये यहाँ पर इंटरसेक्ट होते हुए लगेंगे। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जब रेज खुद ब खुद इंटरसेक्ट हो जाएंगे तो हम बोलते हैं ये रियल इमेज है। ठीक है, और अगर रेज को आपको एक्सटेंड करके इंटरसेक्ट करना पड़ा तो ऐसे इमेज को ऑब्वियसली वर्चुअल इमेज। तो इमेज इमेज स्टूडेंट्स दो तरह का होगा, रियल एंड वर्चुअल। ठीक है, रियल मतलब रेज जब खुद इंटरसेक्ट कर जाए, ठीक, और जब एक्सटेंड करके आप इंटरसेक्ट कराएंगे, इसलिए जब हम डेफिनेशन बोलते हैं इमेज की तो हम ये बोलते हैं द पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट्स और अपीयर्स टू इंटरसेक्ट। इसका मतलब अपीयर्स टू इंटरसेक्ट, इनको एक्सटेंड करके आपने इंटरसेक्ट कराया। ठीक है, तो जब अपीयर्स टू इंटरसेक्ट एक्सटेंड करेंगे तो वर्चुअल इमेज, और रेज अगर खुद इंटरसेक्ट कर जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो रियल इमेज है। ठीक है, है ना, ये आगे हम लोग सेम टर्मिनोलॉजी आगे पूरे रे ऑप्टिक्स में यूज़ करते रहेंगे। देखिए अभी बात करते हैं प्लेन मिरर की। तो जैसे मैंने आपसे बताया कि ये प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है, हाँ प्लेन मिरर नॉर्मली जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, इसलिए मैंने बोला सबसे सिंपल सिचुएशन से हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन ये प्लेन मिरर हमें काफ़ी कुछ रे ऑप्टिक्स की शुरुआत जो इसका बिगिनिंग है उसके बारे में हमें काफ़ी कुछ आइडिया दे देता है। ठीक, कि इमेज कैसे बनाना है, फील्ड ऑफ व्यू किसको कहते हैं,
ठीक, रिफ्लेक्शन हो रहा है तो आप उसका रे डायग्राम वगैरह कैसे बनाएंगे, ठीक, इमेज अगर की वेलोसिटी वगैरह पूछी जाए तो आप कैसे रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करेंगे, तो जो बेसिक्स है वो यहाँ से, और आगे वही काम आगे अलग अलग है ना सिस्टम्स के लिए हम लोग करेंगे, ठीक। तो आगे प्लेन के बजाय कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर्स भी आप डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे ये प्लेन मिरर है और ये मैंने इसे शेड कर दिया, तो शेड कर दिया मतलब इस साइड से वो सिल्वर्ड है, तो रे ऑफ लाइट जब आएगा तो इस पे इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। अब इसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज, ठीक है, प्लेन मिरर जो नॉर्मली हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, जिसमें डेली अपना चेहरा हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा उसमें, इमेज में क्या खास बात है, कैसा इमेज बनता है, अभी आगे उसका डिस्कशन होता है, ठीक। अभी आपने ध्यान दिया या नहीं, यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। ऑब्जेक्ट को जब आप किसी पॉइंट से शो करेंगे तो ऑब्वियसली वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और जब ऑब्जेक्ट किसी साइज का होगा एक्सटेंड करेंगे तो उसको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट शो किया, ठीक, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इसी ऑब्जेक्ट से रेज एमिट होंगे, इसी से निकलेंगे रेज। तो रे डायग्राम बनाने के लिए, इमेज की पोजिशन पता लगाने के लिए एटलीस्ट दो रेज आपको ऑब्जेक्ट से इमर्ज कराना है, और वो कहीं भी आप करा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि रे किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, है ना। दो तीन चार जितने भी रेज आप बना लीजिए, सब एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज करते हैं, तो दो से चूंकि हमें इमेज पता लग जाता है, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए हम लोग दो रेज सिंपली बना के इमेज लोकेट कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक रे ऐसे हमने भेजा, ठीक है, तो देखिए ये रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, ठीक, तो नॉर्मली जब इंसिडेंट हो रहा है तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल कितना हुआ, जीरो। जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस में बोलूं या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलूं, हमेशा नॉर्मल से मेजर करना है, तो रे ऑफ लाइट अगर नॉर्मली इंसिडेंट हुआ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो, तो रे ऑफ लाइट बिल्कुल ऐसे ही लौट आएगा, ठीक। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है तो वो सीधा ऐसे आ जाएगा। और दूसरा रे मैं कहीं यहां बना दूं, मैंने बोला चॉइस है आपके पास, आप नीचे भी बना सकते थे, और यहां पर भी मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं और रिफ्लेक्शन की बात कर लूं, ठीक, ठीक है। आगे आप प्रिज्म वगैरह भी पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस भी पढ़ेंगे, है ना, और कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर्स भी पढ़ेंगे, लेंसेज भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बात हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए कि एंगल कभी भी मेजर करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो हमेशा दैट एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल, ठीक। इसीलिए रे ऑप्टिक्स के किसी भी क्वेश्चन को करते समय ध्यान रखिए दो बातें जरूरी है जो नॉर्मली हम लोग कैजुअली बोल देते हैं, है ना, कि सबसे पहले ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आ रहा है तो ड्रॉ नॉर्मल, जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है ड्रॉ नॉर्मल एंड बी नॉर्मल, ठीक, क्वेश्चन ऑप्टिक्स का बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ओके। तो यहाँ देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक, और रे ऑफ लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और ये एंगल भी आई ही हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल, यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, सिंपल, ठीक। अब यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्शन के बाद ये वाला रे इस डायरेक्शन में जा रहा है, और रिफ्लेक्शन के बाद ये रे इस डायरेक्शन में जा रहा है, इन दोनों रेज को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करने वाले, तो मुझे एक्सटेंड करके इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं इस रे को थोड़ा आगे बढ़ा लूँ और इस रे को भी थोड़ा आगे बढ़ा लूँ और वो यहाँ इंटरसेक्ट कर जाएंगे और यही इमेज हो गया। और देखिए रेस को एक्सटेंड करना पड़ा मुझे, और अभी बाय डेफिनेशन मैंने बताया कि जब रेस एक्सटेंड करके मिलाना पड़ेगा तो ऐसा इमेज ऑब्वियसली क्या बोला जाएगा, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ये इमेज कैसा हो गया, वर्चुअल, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखिए ये आई है तो ये आई होगा ऑल्टरनेट एंगल, और ये एंगल आई है तो ये भी आई होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये 90 है, ठीक। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल बिल्कुल आइडेंटिकल है, इसका मतलब ये डिस्टेंस जितना होगा, अगर x है ये डिस्टेंस, या ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस d है, तो ये डिस्टेंस भी d होगा, ठीक। तो दूसरी बात, इसके रे डायग्राम को देखकर प्लेन मिरर में आपको समझ में आ रही है कि प्लेन मिरर से जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे एट द सेम डिस्टेंस इमेज भी लाई करेगा उसके दूसरी तरफ, ठीक है। तो यहां पर इमेज भी सेम डिस्टेंस पे डी डिस्टेंस पे होगा, ठीक। तो ऑब्जेक्ट यहां है, इमेज यहां, ठीक। हम लोग बहुत ज्यादा हर सिचुएशन में रे डायग्राम पे फोकस नहीं करते, शुरुआत में जरूर रे डायग्राम बनाते हैं बात समझने के लिए, लेकिन रे ऑप्टिक्स पढ़ने का मतलब ही यही कि अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट दिया जाए तो हम बिना रे डायग्राम के उसकी इमेज की लोकेशन को फाइंड कर लें, ठीक। तो अभी मैं प्लेन मिरर में बात करूंगा,
कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में आएंगे तो मिरर फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, डायग्राम नहीं हर बार बनाते रहेंगे, ठीक। लेंसेज में लेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, है ना। तो अभी मैं प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ, तो आगे से मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा और मैं सीधी बात कर दूँ, कहाँ दिख रहा है इमेज, कि अगर प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए मिरर पे और उसी परपेंडिकुलर लाइन को आगे एक्सटेंड कर दीजिए उतने ही डिस्टेंस पे। ये डी है तो ये डी वहीं पर इमेज होगा, ठीक। अब यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट की जगह अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ऐसा, ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका इमेज यहाँ बना और इस टिप का इमेज आप बनाएंगे तो ऑब्वियसली उसके सामने बनेगा। अभी मैं रे डायग्राम नहीं बना रहा लेकिन ठीक उसके सामने आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये कि जिस हाइट का ऑब्जेक्ट होगा एग्जैक्टली उसी हाइट का इमेज भी होगा, ठीक है, सेम साइज। तो बच्चों घरों में जब हम लोग प्लेन मिरर देखते हैं उसमें जब आप अपना इमेज देखेंगे तो बिल्कुल सेम साइज का, जो हाइट आपकी है बिल्कुल उसी हाइट का इमेज दिखेगा, ना बड़ा ना छोटा, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है अगर उसका इमेज बिल्कुल सीधा बनता है तो हम उसे इरेक्ट बोलने वाले हैं और उल्टा तो वो इन्वर्टेड। तो यहाँ एक बात तो समझ में आ रही है, प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज होगा, इरेक्ट होगा और सेम साइज का होगा, ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज, ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज, ठीक है, या और सेम डिस्टेंस, ठीक है। तो प्लेन मिरर में ऐसा इमेज बनने वाला है। इस बेसिक से कॉन्सेप्ट को लेते हैं और प्लेन मिरर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो पहला एक आसान सा सीधा सा सेक्शन ये दिखता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। आगे प्लेन मिरर में हम लोग कई बातें करेंगे, ठीक है, तो आगे उसके डिस्कशन पे आएंगे। पहली चीज मैं बात करने जा रहा हूं वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो सीधा सीधा समझना है। यहां पर एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्वियसली अब मैं रे डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, बात सीधी है कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस पर उसका इमेज लाई करेगा। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ऑब्जेक्ट को अगर हम मूव करने लगे इस डायरेक्शन में वी ओ वेलोसिटी से, वी ओ स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर ऑब्जेक्ट मूव करने लगा है तो इमेज भी मूव करेगा, ठीक, क्योंकि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा किसी भी इंस्टेंट पर, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने डिस्टेंस पे इमेज होगा, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इमेज भी है। जैसे अगर ये 10 सेंटीमीटर एक सेकंड में अगर क्लोज आया तो ऑब्वियसली इसे भी 10 सेंटीमीटर आना पड़ेगा, तभी डिस्टेंस इक्वल होगा। तो मेरे ख्याल से ये है कि जितनी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की होगी सेम वेलोसिटी इमेज की होगी, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगा, ठीक, ये वी ओ, और एक माइनस साइन ये डिनोट करने के लिए लगा देते हैं कि आपका ध्यान जाए कि देखिए जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है इमेज का वेलोसिटी उसके जस्ट अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मतलब ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से इधर मूव करेगा तो इमेज 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से अपोजिट मूव करेगा। वैसे वेक्टर में नेगेटिव साइन जब भी आप शो करते हैं तो नेगेटिव साइन हमेशा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, नेगेटिव साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और आपने डायरेक्शन एरो बना दिया तो माइनस लगाना कुछ कंपलसरी नहीं है, आप वी ओ भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इमेज उसी वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक, और अगर ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा दूर जाएगा मिरर से तो इमेज भी इधर मूव करेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इमेज मूव करेगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का इफेक्ट क्या हुआ, ठीक, जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इमेज मूव करेगा, ठीक, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का सेम होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि इन केस अगर सिचुएशन ये है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इमेज है, ठीक, और मिरर मूव करने लगा, ठीक, वी एम, मिरर की वेलोसिटी वी एम से दिख रहा है, वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है, ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है आपकी बात, ठीक, और मिरर मूव करने लगा, और मिरर जब मूव करेगा तो भी इमेज मूव करेगा। अब पूछा जाए इमेज की वेलोसिटी, तो देख लेते हैं, ठीक, जैसे कुछ वैल्यू असाइन करें तो बात सीधे आसानी से समझ में आती है। जैसे अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपसे ये कह दूं कि ये डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस भी 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ द मिरर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में जो मिरर है वो डिस्प्लेस हो जाएगा बाय 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेकेंड के बाद का इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, बात एकदम साफ हो जाएगी। तो देखिए आफ्टर 1 सेकेंड ये जो मिरर होगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक, और कितना मूव करेगा, ऑब्वियसली 10 सेंटीमीटर, तो मैं 1 सेकेंड में बात कर रहा हूँ तो ये 10 सेंटीमीटर मूव कर जाएगा,
ठीक। अब ये बताइए जो मिरर है वो यहाँ आ चुका है, तो ऑब्वियसली पहले ये कितने डिस्टेंस पे था, 50। अब मिरर इधर आ गया तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, 40। ठीक, तो ऑब्वियसली अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से 40 पे है तो इमेज भी 40 पे होगा। लेकिन पहले इमेज जो इनिशियल इमेज था वो कितने डिस्टेंस पे था, 50 ये, 10 ये, 60। लेकिन अब यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, 40। तो इमेज को चलना पड़ेगा और कितना मूव करना पड़ेगा, 20 सेंटीमीटर्स, और 1 सेकेंड में। ठीक, इमेज जितना मूव करेगा वही वेलासिटी है ना, 1 सेकेंड में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, 1 सेकेंड में जो मूव करेगा, इसका मतलब इमेज इस डायरेक्शन में मूव करेगा और इमेज की जो वेलासिटी होगी ये ट्वाइस द वेलासिटी ऑफ मिरर। और ऐसा क्यों हुआ, बात क्लियर है, क्योंकि जब आप मिरर मूव करेंगे तो मिरर 10 सेंटीमीटर मूव किया तो दो बातें हुई, एक तो वो 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट के पास आया और दूसरी बात वो 10 सेंटीमीटर इमेज से दूर भी गया। ठीक, तो इमेज को 20 सेंटीमीटर मूव करना पड़ेगा, ठीक, तब सेम डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट और इमेज आ पाएंगे। ठीक है, तो ये इफेक्ट याद रखिए कि अगर मिरर मूव करेगा, ठीक, दो बातें अलग अलग बस ध्यान रखनी है कि इमेज का डायरेक्शन वेलोसिटी का क्या और मैग्नीट्यूड। तो अगर मिरर मूव करेगा तो इमेज मिरर की डायरेक्शन में ही मूव करेगा, यानी जिस डायरेक्शन में मिरर मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में उसका इमेज, ठीक है, और डबल वेलोसिटी, ठीक है, जिस वेलोसिटी से इमेज, अगर ये 10 से तो ये 20 से, ठीक है। ठीक, तो दो बातें मैंने सिंपली आपसे अभी ये कह दी एज अ फैक्ट, ठीक, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने मूवमेंट करता है, ठीक है, तो जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव करेगा इमेज उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, उतनी ही मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी विल से, ठीक। लेकिन अगर मिरर मूव करेगा तो भी इमेज मूव करेगा और मिरर जिस डायरेक्शन में मूव करेगा इमेज उसके डबल वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। ये दो फैक्ट मैंने बोल दिया। अब देखिए ये दोनों मिलाकर एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ तो आप सीधे पहुँच जाएंगे उस पर, कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल आपसे कहूँ कि एक मिरर है और यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ये उसका इमेज, ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से और मिरर भी मूव कर रहा है एंड दिस वेलोसिटी ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। ऑब्जेक्ट मिरर, ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से और जो मिरर है वो 15 सेंटीमीटर पर सेकंड से, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक। अब मुझे पता लगाना है, हमारा क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, इस सिचुएशन में इमेज किस वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक। तो पूरी बात को एक साथ है ना अप्लाई करने की कोशिश नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप, हमेशा फिजिक्स पढ़ते समय ये ध्यान रखिए, काम को आसान बनाना है, सिंप्लीफाई करना है सिचुएशन को, और सिचुएशन अगर आपको मुश्किल दिखाई दे रही है इसका मतलब कि आपने उसको स्टेप बाय स्टेप नहीं ठीक से समझा, ठीक। तो यहाँ देखिए क्या करना है, अब आपको अलग अलग काम करना है, जो मैंने दो फैक्ट्स बताए दोनों अप्लाई करिए। जैसे ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हुई, अभी मिरर मान लीजिए रेस्ट में है, अभी इस वेलोसिटी को भूल जाइए। अब बताइए अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इमेज किस डायरेक्शन में मूव करता है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट, इमेज उसके जस्ट अपोजिट और कितनी वेलोसिटी से, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्लियर। और यहाँ देखिए मिरर मूव कर रहा है इधर 15 सेंटीमीटर पर सेकंड से, अब ऑब्जेक्ट भूल जाइए, ऑब्जेक्ट का इफेक्ट आप बना चुके, ठीक, अब ऑब्जेक्ट भूल जाइए, मिरर पर ध्यान दीजिए, जब मिरर मूव करता है तो इमेज, इमेज उसी डायरेक्शन में और कितनी वेलोसिटी से, डबल। तो डायरेक्शन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है बात, ठीक, डायरेक्शन इधर है मिरर का, तो ये इमेज इधर चलेगा और इसका डबल, डबल मीन्स 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या किया आपने, ऑब्जेक्ट का क्या इफेक्ट है वो आपने इमेज पे शो कर दिया, मिरर के मूवमेंट का क्या इफेक्ट है वो आपने शो कर दिया, और इन दोनों वेलोसिटीज का आप रिजल्टेंट निकाल लीजिए। और देखिए दो वेक्टर्स जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा, 30 इधर 20 इधर, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो बड़े में से छोटा माइनस कर लेंगे आप, यानी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो इमेज है वो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में मूव करने वाला है, ठीक। इसी में अगर आप ये एरो चेंज कर दें, ठीक, जैसे ऑब्जेक्ट यही, ये सेम वेलोसिटी है इसी डायरेक्शन में, और अगर मैं कहूँ कि मिरर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो ये चीज़ तो ऐसे ही बनाते, लेकिन अगर मिरर इधर मूव करने लगता तो ये 30 आप इधर बनाते और ये 30 जैसे ही आप इस डायरेक्शन में बनाते तो रिजल्ट निकालते समय दोनों ऐड कर देते, ठीक है। तो 30 प्लस 20 50 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाता, ठीक है, इस डायरेक्शन, ठीक है।
ठीक, तो ये मैंने देखा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज, अगर आपको इमेज की वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आप कैसे निकालेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं इसी में। अगर मैं आपसे पूछूं, ये मिरर है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वी ओ से, ठीक, तो इसका इमेज अभी मैंने बता दिया बिना रे डायग्राम बनाया कि ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज यहां होगा, ठीक, उसके ठीक सामने, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो वो मैंने ऐसे शो कर दिया। अब बताइए ऑब्जेक्ट अगर ऐसे मूव करेगा तो इमेज किस डायरेक्शन में चलेगा। अभी देखिए एक बात मैं कह रहा था कि ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इमेज उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, ठीक, लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है ऐसा तब जब ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर मूव करता है। अब डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, तो यहां पर बात कुछ अलग हो गई। अब ऑब्जेक्ट अगर पैरेलल टू द मिरर मूव कर रहा है तो नॉर्मल सी बात है, ये तो कॉमन सेंसेस आप अप्लाई करके भी जानते हैं कि अगर मिरर आपके सामने है और मिरर के सामने आप अपना हाथ रख लीजिए, ठीक है, तो उसमें उसका इमेज दिखाई देगा, जैसे ये इमेज इसमें आ गया। अब जैसे ही हाथ ऊपर करेंगे तो ऑब्वियसली आप मिरर के सामने देख लीजिए हाथ रख के, और हाथ ऊपर करेंगे तो इमेज भी ऊपर ही जाएगा, ठीक, इसका मतलब इमेज इधर की तरफ, वो ऐसे भी समझ में आ रहा है कि थोड़ी देर बाद ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज उसके सामने ही होगा, ठीक, और कितनी वेलोसिटी से, इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो एग्जैक्टली वी ओ के बराबर, ठीक। यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के मोशन करने पर वेलोसिटी इमेज के अपोजिट नहीं हो रही है, ऐसा क्यों हो गया। अब ऐसा क्यों हो गया ज़रा इस बात को समझ लेते हैं, ठीक। तो मिरर में जो इमेज प्लेन मिरर में बनता है उसमें जब आप इमेज देखें, जैसे आप मिरर के सामने खड़े और आपका इमेज उसमें बन गया, तो नॉर्मली हम लोगों ने कुछ नोटिस किया होगा कि कुछ इमेज में कुछ अंतर होता है, कुछ फर्क होता है। जैसे आप नॉर्मली देखिए कि जब हम अपना राइट हैंड उठाते हैं प्लेन मिरर के सामने तो आपको ऐसे लगेगा कि जो इमेज है वो उसका लेफ्ट हैंड, ठीक। तो अक्सर लोग यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और थोड़ा सा एक मिसकॉन्सेप्शन नॉर्मली लोगों के दिमाग में होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम लोग वही जवाब देने की कोशिश करते हैं कि मिरर में जब इमेज बनता है तो लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है, ठीक। और बच्चों, अगर लेफ्ट राइट हो जा रहा है और राइट लेफ्ट हो जा रहा है तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इन्वर्जन हो गया। इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। अगर लेफ्ट राइट में चला गया, राइट लेफ्ट में चला गया, तो क्या रियली मिरर में इन्वर्जन होता है? ये बात गलत है, मिरर में इन्वर्जन नहीं होता, लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट नहीं होता। तो आखिर होता क्या है? हमें ऐसा इल्यूजन होता है, ठीक। तो आखिर होता क्या है? जैसे लेफ्ट राइट होने का मतलब बच्चों ऐसे समझ लीजिए आप, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ प्लेन मिरर है उस पर अपना हाथ रखिए, ठीक है, उस पर अपना हाथ रखिए, तो आपके हाथ का इमेज उस पर दिखाई देगा। और ध्यान से देख लीजिए कि जब अपना हाथ उस पर आप रखेंगे तो इस अंगूठे का इमेज, थंब का इमेज ठीक सामने ही आएगा और इस लिटिल फिंगर का इमेज उसके सामने आएगा, ठीक। क्या कभी ऐसा होता है कि आप जब मिरर के पास हाथ लाएं तो आपके थंब का इमेज इस डायरेक्शन में बन जाए और लिटिल फिंगर का इधर बन जाए? अगर ऐसा होता कि ये लेफ्ट वाला अगर राइट में चला जाता और राइट वाला लेफ्ट वाला अगर राइट में चला जाता और राइट वाला लेफ्ट में आ जाता, तो हम कहते हैं लेफ्ट राइट हो गया, राइट लेफ्ट हो गया और इन्वर्जन हुआ। तो ये तो कॉमन एक्सपीरियंस की बात है कि ऐसा नहीं होता। आप हाथ मिरर पर रखेंगे तो थंब के सामने ही थंब मिलेगा आपको और लिटिल फिंगर के सामने लिटिल फिंगर मिलेगा, ठीक है ना, ठीक। तो लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट नहीं होता, दैट मीन्स इन्वर्जन नहीं होता। तो होता क्या है एक्चुअल में? एक दूसरा फिनोमेना मिरर में काम करता है, और ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा कि मिरर में परवर्जन काम करता है, इन्वर्जन नहीं। दूसरा वर्ड मैं दे रहा हूँ बच्चों, परवर्जन, ठीक, इन्वर्जन नहीं, परवर्जन, ठीक। परवर्जन मीन्स क्या होता है? परवर्जन मीन्स फॉरवर्ड बिकम्स बैकवर्ड एंड बैकवर्ड बिकम्स फॉरवर्ड। अगर कभी ऐसा हो कि फॉरवर्ड जो डायरेक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाए और बैकवर्ड डायरेक्शन फॉरवर्ड में कन्वर्ट हो जाए, तो उस फिनोमेना को परवर्जन बोलते हैं। लेफ्ट राइट होगा, राइट लेफ्ट होगा, तो वो इन्वर्जन है। लेकिन अगर फॉरवर्ड बिकम्स बैकवर्ड एंड बैकवर्ड बिकम्स फॉरवर्ड, दैट फिनोमेना इज नोन एज परवर्जन, ठीक। तो क्या होता है? प्लेन मिरर में परवर्जन होता है, ठीक। वो फॉरवर्ड को बैकवर्ड, बैकवर्ड को फॉरवर्ड बना देता है। सीधी बात मैं क्या बोल रहा हूँ, एकदम सीधा रखिए कॉन्सेप्ट को, कि अगर मेरे सामने एक प्लेन मिरर है और मैं मिरर में देख रहा हूँ, ठीक, तो
तो इमेज बनेगा उसमें मेरा, ठीक है। अब देखिए मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक, तो मेरे लिए ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है और ये बैकवर्ड, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में इधर मेरा राइट है और इधर मेरा लेफ्ट है, ठीक। लेकिन जब प्लेन मिरर होगा उसमें जब इमेज बनेगा तो उस इमेज का जो फेस होगा वो मेरी तरफ होगा, तो जो मेरा बैकवर्ड डायरेक्शन है इमेज के लिए वो फॉरवर्ड हो गया, और जो मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन है इमेज के लिए वो बैकवर्ड हो गया। इसका मतलब मेरा फॉरवर्ड इमेज का बैकवर्ड और मेरा बैकवर्ड इमेज का फॉरवर्ड। और इसी वजह से हमें ऐसा इल्यूजन हो जाता है कि लेफ्ट राइट हो रहा है, ठीक। जैसे मैं इधर फेस कर रहा हूँ तो मेरा राइट इधर है, मेरा राइट इधर है और लेफ्ट इधर है, ठीक है। लेकिन अगर किसी का फेस मेरी तरफ होगा तो ऑब्वियसली जिधर मेरा लेफ्ट है उधर उसका राइट होगा, और जिधर मेरा राइट है उधर उसका लेफ्ट होगा। तो हम जब इमेज देखते हैं तो मेरे इस हैंड का, मेरे राइट हैंड का इमेज उसमें सामने ही बनता है, लेकिन जब मैं राइट हैंड उठाता हूँ तो वो हैंड उठता है लेकिन फेस इधर होने की वजह से ऐसा इल्यूजन होता है कि वो उस आदमी का, उस इमेज का वो लेफ्ट हैंड है, ठीक है, है ना। ऐसा नहीं होता, लेफ्ट राइट में, राइट लेफ्ट में नहीं भाग जाता, ठीक है। इस वजह से ऐसा इल्यूजन होता है। तो फॉरवर्ड बिकम्स बैकवर्ड एंड बैकवर्ड बिकम्स फॉरवर्ड, ठीक। और यही बात यहां पर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ये मिरर है, अगर इसमें एक एरो, इस प्लेन मिरर के सामने अगर एक एरो दे दिया जाए, ठीक, और इस एरो का इमेज देखें, तो देखिए इस एरो का इमेज ऑब्वियसली आप समझ पा रहे हैं ऐसा ही बनेगा, ठीक है। इसका मतलब इस एरो का जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ठीक, वो इसके इमेज का बैकवर्ड हो गया और इसका जो बैकवर्ड है इमेज का फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। इसीलिए जब ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर मूव करता है तो इमेज उसके अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन अगर ऐसे एरो बना दूं, ठीक, तो ये ना तो मिरर के पास जा रहा है ना मिरर से दूर, पैरेलल टू द मिरर है, तो ऑब्वियसली इस एरो का इमेज इसमें ऐसे ही बनेगा। जैसे मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दूं, से दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, जेड एक्सिस दोनों के परपेंडिकुलर बोर्ड से बाहर की तरफ, तो यहां देखिए जो एक्स एक्सिस के, जो एक्सिस मिरर के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द मिरर है, बस ये उस एक्सिस को इन्वर्ट कर, उल्टा कर देगा, तो ये एक्स एक्सिस उल्टा हो जाएगा एक्स डैश, और जो पैरेलल टू द मिरर है उस पर कोई असर नहीं आएगा, वाई वाई रहेगा, और जो जेड ऐसे था वो जेड वैसा ही रहेगा क्योंकि वो भी मिरर के पैरेलल ही है, ठीक। तो मिरर के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा इमेज का डायरेक्शन बनाते समय वो रिवर्स करना है, और पैरेलल में कोई फर्क नहीं, ठीक है, है ना। इसी को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। यहां देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट है और वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, से वी ओ एंड दिस एंगल इज थीटा, तो यहां उसका इमेज है, ठीक। और अगर अभी इमेज की बात करें कि इमेज किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो बच्चों आसान तरीका यह है कि कंपोनेंट को ब्रेक कर लीजिएगा, वैसे अंदाजा लगाना कोई मुश्किल बात नहीं, ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो मिरर भी उधर ही जाएगा क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट के सामने ही इमेज रहेगा प्लेन मिरर में, ठीक है। यहां पर इस बात को ऐसे रियलाइज कर लेंगे कि अगर आप वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट ब्रेक करें, ठीक, वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट, ठीक, परपेंडिकुलर टू द मिरर एंड पैरेलल टू द मिरर, तो इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट आएगा वी ओ कॉस थीटा एंड दिस कॉम्पोनेंट बिकम्स वी ओ साइन थीटा, ठीक है। अब यहां देखिए अलग अलग सोचिए, इस वेलोसिटी को देखिए, दिस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, तो ऑब्वियसली जो इमेज है मैंने अभी डिस्कस किया था कि जब मिरर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी करेगा ऑब्जेक्ट तो इमेज उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में विद द सेम वेलोसिटी, तो दिस बिकम्स वी ओ कॉस थीटा। और इस कंपोनेंट को देखिए पैरेलल टू द मिरर है, तो इसकी वजह से डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, और बिल्कुल ऐसे पैरेलल टू द मिरर सेम डायरेक्शन में वी ओ साइन थीटा। और अगर मैं इन दोनों के रिजल्टेंट की बात करूँ तो ऑब्वियसली वो रिजल्टेंट वी ओ ही आने वाला है, ठीक, और ये एंगल थीटा ही आने वाला है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में इमेज में मूव करेगा, ठीक है, है ना, इमेज की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये जो सिंपल फैक्ट्स हैं इन्हीं को कंबाइन करके क्वेश्चन फॉर्म कर देते हैं, और जब आप सिंपल चीज़ों को समझ नहीं पाते, जब आप छोटे छोटे फैक्ट्स को जब आप पहले स्टडी नहीं करते ध्यान से और सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं तो ये प्रॉब्लम रेज होती है कि लगता है थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन ऐसा नहीं, काम सीधा है और स्टेप बाय स्टेप जैसे आप बिल्डअप करते जाते हैं कॉन्सेप्ट को तो आपको समझ में आता है कि बहुत आसान सी चीज़ है, ठीक। लेकिन जब आप कोई स्टेप मिस कर देते हैं बीच में, ठीक है, तो वो कई बातों को कंबाइंड करके क्वेश्चन को जेनरेट करने की कोशिश होती है। जैसे यहाँ देखिए अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछूं, ठीक, ये मिरर है
और यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अगर कभी मिरर पैरेलल मूव करता है, जैसे ऑब्जेक्ट है सामने और मिरर पैरेलल मूव करेगा तो इमेज की पोजीशन में कोई चेंज नहीं। यहाँ ऑब्जेक्ट है, मिरर में थोड़ा सा पैरेलल कर दूँ तो भी इमेज ऑब्जेक्ट के सामने ही रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपसे एक छोटा सा केस पूछूँ कि यह ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ कहीं इसका इमेज होगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड से और ये वेलोसिटी, ये एंगल 60 डिग्री, ठीक, मूव कर रहा है, ठीक। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मैंने डायरेक्शन ऐसे बनाया, देखिए ना, परपेंडिकुलर टू द मिरर है ना पैरेलल टू द मिरर है, ध्यान रखना है डायरेक्शन जरूरी। तो इधर मैंने बनाया 20 है ना सेंटीमीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड एनीथिंग यू कैन राइट सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो मिरर है वो इस डायरेक्शन में 10√2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ठीक है, एंड दिस एंगल इज 45 डिग्रीज, ठीक। और ये इमेज है। अब आपसे पूछा जाए फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्या बताना चाह रहे हैं हम, क्या फाइंड करना चाह रहे हैं यहाँ, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक, इमेज की वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं, ठीक। अब देखिए, अगर ऐसा दे दिया तो ध्यान क्या देना है, कंपोनेंट्स को ब्रेक कर लीजिए और सीधे सिंपल जो बातें आपको बताई गई कॉन्सेप्ट को सीधा अप्लाई कर दीजिए, ठीक। जैसे सबसे पहले मैं इस वेलोसिटी का कंपोनेंट ब्रेक कर लूँ तो इधर आएगा 20 cos 60 एंड 20 cos 60 इज हाफ, दैट मीन्स 10, और एक कॉम्पोनेंट इसका इधर आने वाला है और वो 20 sin 60 एंड 20 sin 60 विल बी 10√3, ठीक है। अब देखिए, मिरर को भूल जाइए, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सोचना है, मिरर भूल जाइए, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की ये दो वेलोसिटीज हैं। तो देखिए, ये परपेंडिकुलर टू द मिरर है तो इसकी वजह से जो हमारा इमेज है वो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसके जस्ट अपोजिट, ठीक, मैग्नीट्यूड सेम। और ये पैरेलल टू द मिरर है तो इसकी वजह से डायरेक्शन बिल्कुल नहीं चेंज करेंगे और वही रखेंगे 10√3, रिजल्ट निकालेंगे सेम वही आ जाएगा 20, ठीक है। ऑब्जेक्ट की वजह से इमेज कैसे चलेगा ये आप फाइंड कर चुके। अब मिरर का इफेक्ट क्या होने वाला है, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और सारा ध्यान मिरर पे आ जाइए। मिरर की वेलोसिटी का भी आप कंपोनेंट ब्रेक करिए तो वही पैरेलल टू द मिरर एंड परपेंडिकुलर टू द मिरर। पैरेलल टू द मिरर ब्रेक करेंगे तो 10√2 cos 45 मीन्स 10 और परपेंडिकुलर टू द मिरर ये भी 10, ठीक। अब जरा देखिए, ये पैरेलल टू द मिरर 10 चल रहा है तो इसकी वजह से इमेज बिल्कुल मूव नहीं करेगा। पैरेलल अगर मिरर मूव कर रहा है तो उसकी वजह से इमेज अपनी लोकेशन चेंज नहीं करेगा। इसकी वजह से देखिए, जब मिरर परपेंडिकुलर मूव करेगा, ठीक, तो अभी मैंने बताया था मिरर जब भी मूव करेगा अपने परपेंडिकुलर तो इमेज उसकी जस्ट डबल वेलोसिटी से मूव करेगा एंड इन द सेम डायरेक्शन। तो इधर 10 है तो इसी डायरेक्शन में इसका डबल मतलब 20, ठीक। अब इन तीनों वेक्टर्स का मुझे रिजल्टेंट कर देना है। अब तीनों का रिजल्टेंट 20 + 10 = 30, तो इसका मतलब इधर 30 हो गया, सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स ऐड हो जाएंगे और इस डायरेक्शन में 10√3, ठीक है, ये इमेज। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा वही वेलोसिटी ऑफ द इमेज होगा। तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज की हम लोग बात करें तो इन दोनों का रिजल्ट, और दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं तो आपको पता है दोनों को है ना रूट में स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं, तो √30² और +10√3², ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ द इमेज, इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक। तो ये हम लोगों ने डिस्कशन किया कि अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है या मिरर मूव करता है या वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम लोग बड़ी आसानी से इमेज की वेलोसिटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक। इतना हम लोगों ने इस सेक्शन में अभी तक डिस्कस किया, ठीक। हाँ, दूसरी बात एक छोटी सी जो आती है, आगे बढ़े तो अभी मैंने बताया कि हमारा जो टारगेट है वो इमेज की पोजीशन को पहचानना है, ठीक, ऑब्जेक्ट है तो विदाउट रे डायग्राम हम ये पहचान जाएं कि इमेज कहाँ बनने वाला है, ठीक। तो यहाँ पर एक बात ये आती, एक छोटा सा क्वेश्चन, कुछ कॉमन सा डिस्कशंस नॉर्मली पूछे जाते हैं बार बार जब हम ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ठीक। जैसे अगर ये पूछा जाए कि एक ऑब्जेक्ट है आपके सामने और एक मिरर है आपके सामने, ठीक, तो क्या उस ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इमेज उस मिरर में बनेगा, ठीक है,
क्या उस ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इमेज उस मिरर में फॉर्म हो सकता है। ठीक, तो इमेज कैसे बनाना है, ठीक, इसके लिए हम लोग ध्यान देते हैं, बात करते हैं फील्ड ऑफ व्यू की। ठीक, ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जिस पे आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया, फील्ड ऑफ व्यू लोकेट करने के लिए आया। ठीक है, तो इस पे ज़रा ध्यान देना है। ठीक, तो इमेज कहाँ बनेगा, फील्ड ऑफ व्यू क्या है? तो देखिए, ऑब्जेक्ट चाहे कितने भी बड़े साइज का हो, ठीक, और इमेज इमेज, ठीक, हमेशा उस ऑब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट इमेज बनेगा मिरर में, मिरर चाहे जितने भी छोटे साइज का। ठीक, मतलब अगर आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है ना, 10 स्टोरी बिल्डिंग के सामने है और आपके हाथ में एक छोटा सा मिरर, ठीक, तो हमेशा उस पूरी 10 स्टोरी बिल्डिंग, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और मिरर बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा मिरर भी है तो ऑब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट इमेज उसमें बनता है। ठीक है, हाँ, हम पूरे इमेज को एक साथ देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, ये क्वेश्चन अलग है बच्चों, यहाँ क्वेश्चन बदल गया। ठीक है, हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे एक बार में इमेज, ये अलग क्वेश्चन है। इमेज पूरा बनेगा या नहीं बनेगा, ये एक अलग क्वेश्चन है। ठीक, तो पहले क्वेश्चन का मैं आंसर ये बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट कितने भी बड़े साइज का हो, मिरर कितना भी छोटा हो, हमेशा कंप्लीट इमेज बनेगा। ठीक, लेकिन हम देख तभी पाएंगे जब हम उसके फील्ड ऑफ व्यू में होंगे। ठीक है, तो यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आगे बढ़ा लें, फील्ड ऑफ व्यू। ठीक, तो यहां पर देखिए, यहां पर प्लेन मिरर से इमेज बनाते समय आप ध्यान देंगे, ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, जैसे ये प्लेन मिरर है और यहां पर मैं कहूं कि कोई ऑब्जेक्ट यहां प्लेस्ड है, कोई ऑब्जेक्ट यहां प्लेस्ड है, तो ध्यान से देखिए उसका इमेज कहां बनेगा। ठीक, कहां इमेज बनने वाला है उस ऑब्जेक्ट का। तो ऐसा करता हूं, मैं एक बार रे डायग्राम बना के दिखा देता हूं, लेकिन मैंने पहले ही बोला कि रे डायग्राम पे हम बहुत इंसिस्ट नहीं करते हैं। ठीक, हमको पहचानना चाहिए, लेकिन यहां पर मैं एक्सप्लेन कर दूं। जैसे अगर मैं एक रे को इधर भेज दूं और ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्शन के रूल्स को फॉलो करते हुए, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल, और एक रे मैंने यहाँ इंसिडेंट करा दिया और ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, और ये दोनों रेज आगे नहीं मिलने वाले हैं और इन्हें आपको एक्सटेंड करके मिलाना पड़ेगा, और ये जब आप एक्सटेंड करके यहाँ मिलाएंगे तो करीब इस पॉइंट पर इमेज बनने वाला है। ठीक, और रेज को एक्सटेंड करना पड़ा तो ऑब्वियसली इमेज कैसा है, वर्चुअल, शुरू में भी वर्चुअली था। ठीक, अब आगे से हम ये रे डायग्राम नहीं बनाएंगे, लेकिन मुझे फील्ड ऑफ व्यू शो करना था इसलिए मैं बना दे रहा हूँ अभी। ठीक, तो ध्यान दो, पहली बात कि अगर प्लेन मिरर में कोई इमेज पूछता है तो क्या करना है, तरीका समझ लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, तो जब भी प्लेन मिरर में इमेज बनाना है तो क्या करना है, मिरर चाहे जितना छोटा हो, मिरर की जो लाइन है, मिरर की जो लाइन है उस लाइन को एक्सटेंड कर देना, मिरर की जो लाइन है उस लाइन को आगे पीछे बढ़ा देना। तो मिरर की लाइन को ऐसे आगे पीछे मैंने बढ़ा दिया, ठीक, और फिर ऑब्जेक्ट से उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, मिरर की जो लाइन होगी ऑब्जेक्ट से उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और इसी परपेंडिकुलर को आगे एक्सटेंड कर देंगे, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पे इमेज होगा। ठीक है, ठीक, मतलब अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बनेगा, तो ऑब्वियसली इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, आगे बढ़ा लेंगे वही इमेज। अब देखिए, मिरर अगर बहुत छोटा भी हो जाता, इतना सा मिरर हो जाता और बहुत दूर ऑब्जेक्ट होता, तब भी इमेज तो बनेगा ही। ठीक, तो कितना भी छोटा मिरर हो, ऑब्जेक्ट कितने भी डिस्टेंस पे हो, इमेज हमेशा उसका पूरा बनने वाला है। ठीक है, है ना, ऐसे अगर छोटा मिरर आप लेके खड़े हो गए किसी बिल्डिंग के सामने, तो बिल्डिंग के हर पोर्शन का इमेज कहीं ना कहीं उस मिरर में ज़रूर बन रहा है। ठीक है, अब बात यह आती है कि हम उस इमेज को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। तो हम उस इमेज को तब देख पाएंगे जब हम उसके फील्ड ऑफ व्यू में होंगे, यानी जब मिरर पे लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज तक पहुंचे, हमारी आंखों तक, है ना, रेज नहीं पहुंचेंगे तो हम उस इमेज को व्यू नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर ज़रा देखिए, ये मिरर यहाँ से यहाँ तक है, तो मैंने दो रेज बनाए हैं और दोनों मिरर के एंड्स पर हैं। ठीक, यही फील्ड ऑफ व्यू बनाने का तरीका है। ठीक, क्या करेंगे, जब भी कोई आपसे पूछे कि इमेज कहाँ से विजिबल होगा, किस रीजन से वो इमेज आपको दिख रहा है, तो आप ऑब्जेक्ट से एक रे मिरर के एक एंड पे इंसिडेंट कराएंगे और ऑब्जेक्ट से दूसरा रे मिरर के दूसरे एंड पे इंसिडेंट कराएंगे और उसको रिफ्लेक्ट कराएंगे। और देखिए, इसी के बीच में अगर हम हैं, हमारी आईज अगर इन दोनों रेज के बीच में, तो अगर हम बीच में कहीं भी हो गए तो कोई रे जो बीच में आएगा वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज तक पहुँच जाएगा। ठीक, लेकिन अगर हम यहाँ पे हैं, हमारी आईज यहाँ है, ठीक, हमारी आँखें यहाँ हैं,
तो यहाँ देखिए कोई भी रे जो मिरर पे इंसिडेंट होगा ठीक वो यहाँ नहीं आने वाला, और इमेज तो ज़रूर यहीं बनेगा लेकिन हम उस इमेज को देख नहीं पाएंगे। तो हम सिर्फ इसके बीच में इमेज को देख पाएंगे और इसी को बोलते हैं ये इस इमेज का फील्ड ऑफ व्यू है। ठीक, तो इमेज बनता तो हमेशा है ना, लेकिन विजिबल तभी होता है जब आप उसके फील्ड ऑफ व्यू में आते हैं। ठीक है ना। तो अब जैसे आपने नोटिस भी किया होगा कि कभी कोई बिल्डिंग है या कुछ भी और कहीं किसी जगह आपने देखा कि मिरर है, तो जब आप मिरर में देखो तो आसपास की चीज़ों का कुछ इमेज दिखता है, सबका नहीं दिखता, कुछ चीज़ों का इमेज दिखता है क्योंकि जिसके फील्ड ऑफ व्यू में आप आ रहे हैं वो इमेजेस दिख रहे हैं। अगर आप अपनी लोकेशन बदल दें, पोजीशन थोड़ी बदल दें है ना, तो आप अपनी पोजीशन बदलेंगे और उसी मिरर पर ध्यान रखिए तो आप देखेंगे दूसरी चीज़ों का इमेज दिखेगा, फिर आप अपनी पोजीशन बदल दें फिर कुछ और का इमेज दिखेगा। इसका मतलब इमेज सारे हैं उसमें, आपको वो दिख रहा है जो रेज रिफ्लेक्ट होकर आपकी आइज तक इंसिडेंट हो रही है ना। ठीक, उन रेज को आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी रीजन को बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। ठीक, तो या और जब भी फील्ड ऑफ व्यू बनाना है तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से दो रेज ड्रॉ करेंगे और मिरर के दोनों एंड्स पर। ठीक, जैसे मैं इसको एक इलस्ट्रेट कर दूं, एक क्वेश्चन आईटी में पूछा गया था, बस सिंपली देखिए क्वेश्चन ये था कि एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट था और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया गया था। ठीक, ये डिस्टेंस कुछ ए, ठीक ये डिस्टेंस भी ए, मैं अभी थोड़ा अलग रखने के लिए थोड़ा 2a बना दे रहा हूँ उसको, कुछ भी हो सकता है उससे कोई फर्क नहीं, कैलकुलेशन आप ध्यान दे लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो यही था। हाँ, तो ए कर सकते हैं, ए 2a कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा। खैर, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ये जो मिरर है, ठीक ये मिरर की जो लेंथ है वो 2b है। ठीक, मिरर की लेंथ कितनी, 2b, मतलब मिरर विड्थ ऑफ द मिरर दिया था कि एक मिरर है जिसकी विड्थ 2b और इसके सामने ठीक उसके बाइसेक्टर पे एक ऑब्जेक्ट है और इस लाइन पर एक आदमी मूव कर रहा है, तो बताइए कितने डिस्टेंस तक वो इस ऑब्जेक्ट का इमेज देख पाएगा। तो देखिए आदमी जब इस लाइन पर मूव करेगा तो ऑब्जेक्ट तो वो सीधा देख लेगा, ऑब्जेक्ट देखने की बात नहीं हो रही है, इमेज देखने की बात हो रही है कि कितने डिस्टेंस तक वो इमेज को देख सकता है। और अगर ये पूछता है इमेज देखने की बात आ रही है, दैट मीन्स वो आपसे फील्ड ऑफ व्यू बनाने की बात करना चाहता है। ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू, और मैंने अभी आपको बताया कि फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाना है, ऑब्जेक्ट से दो रेज लेने हैं, मिरर के दोनों एंड्स पर भेजने। ठीक, तो ऑब्जेक्ट से एक रे मैंने ये ले लिया मिरर के इस एंड पे और ये रिफ्लेक्शन के रूल को फॉलो करते हुए ऐसे, और यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ, ये एंगल आई होगा तो ये एंगल भी आई, और दूसरा रे मिरर के दूसरे एंड पे भेज दिया और इसे रिफ्लेक्ट करा दिया और ये भी रिफ्लेक्शन के रूल्स को फॉलो करेगा, ये आई है तो ये आई। ठीक, ठीक है, सिंपल, बस रिफ्लेक्शन का रूल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है और कोई खास बात नहीं। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर मैन यहाँ है, उसकी आईज यहाँ है, तो वो ये रे उससे रिफ्लेक्ट होके आ गया और वो इमेज देख लेगा। अगर वो इसके ऊपर है तो जो रे इसके ऊपर से जाएगा वो रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा, अगर वो यहाँ है तो जो रे सीधा जाएगा वो रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा और यहाँ तक, मतलब इसको मैं ए बोल दूँ और इसको बी। ठीक, तो देखिए यही उसका फील्ड ऑफ व्यू, यानी ए से इमेज दिखना शुरू होगा, इमेज दिखता रहेगा और बी तक इमेज उसको कंटिन्यूअसली विजिबल होगा और बी के ऊपर जाते ही वो इमेज नहीं देख पाएगा और ऑब्वियसली इमेज कहाँ बनने वाला है, यहाँ, यही दोनों रेज जब आप एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक, वर्चुअल इमेज, ठीक वही ऑब्जेक्ट के ठीक सामने इमेज ये बनने वाला है। ठीक है ना, तो ये फील्ड ऑफ व्यू हो गया और यही डिस्टेंस पूछा गया था। ठीक है, तो अब ये डिस्टेंस सिंपल ज्योमेट्री, उसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए, ये आपने बना दिया, ये बना दिया, ये 2b है तो ये 2b होगा पूरा, ये 2b है, ये 2b होगा। अब ये लेंथ अगर x है तो ये भी x होगा, सिमेट्री है। ठीक, और यहाँ पर देखिए ये i एंगल है तो ये भी i होगा, और यहाँ इस ट्रायंगल में ज़रा ध्यान दीजिए, tan i अगर मैं आपसे पूछूँ तो tan i इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, b बाई a, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये बेस कितना है, a, ये a गिवन था तो b बाई a। और ये देखिए इस बड़े ट्रायंगल में, इस बिगर ट्रायंगल में अगर मैं फिर से tan i लिखना चाहूँ बिगर ट्रायंगल में, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये x, और बेस कितना होगा, a प्लस 2a 3a, तो x अपॉन 3a, a कैंसिल और x की वैल्यू आप देख पा रहे हैं कितना, 3b, और x की वैल्यू अगर ये 3b आ गई, तो x अगर 3b आ गया तो ये 3b हो गया, ये भी 3b हो गया, और 3b 2b 3b तो 6b 2b 8b, और ये जो ab डिस्टेंस जो हमारा फील्ड ऑफ व्यू है वो 8b है ना, यानी इतने डिस्टेंस तक उस ऑब्जर्वर को इमेज विजिबल होगा। ठीक है, तो ये बात हुई फील्ड ऑफ व्यू की।
तो इस लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने दो चीज़ें देखी कि इमेज कैसे प्लेन मिरर में बनना है, और अगर ऑब्जेक्ट या मिरर मूव कर रहा है तो इमेज की वेलोसिटी कैसे निकालनी है, ठीक। और दूसरी बात हम लोगों ने ये देखी कि फील्ड ऑफ व्यू किसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस अगर दो प्लेन मिरर्स के बीच में है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनते हैं, वो कैसे निकालते हैं, ठीक। और फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर प्लेन सर्फेसेस के बारे में डिस्कशन और बढ़ाएंगे। थैंक यू।